हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर तो मैं भी नहा ली हूँ और पूजा भी हो गई है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और अब करते हैं बाकी के काम, क्योंकि अभी किचन क्लीन करती हूँ मैं। ब्रेकफास्ट के बाद काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं तो अभी उनको साफ करती हूँ। तो चलिए, और सर्दी होने लगी है अब काफी, तो मैंने ये निकाल लिया इधर जैकेट, क्योंकि अब सुबह सुबह काफी सर्दी लगती है। तो चलिए करते हैं किचन को क्लीन, क्योंकि पूरा किचन बिल्कुल बिखरा पड़ा है। मैं एक सेकंड, क्योंकि जितने किचन क्लीन नहीं होगा इतने बहुत अजीब सा लगता रहेगा। और इधर देखिए कैसे कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊपर ये हरे रंग की जो चादर होती है वो पड़ी हुई है, तो सी ग्रीन वाली चादर पड़ी हुई तो सी ग्रीन ग्रीन आता है सारा। तो ये वो रखे, देखिए कितने सारे बर्तन इधर सारे में सब कुछ फैला पड़ा है। तो अभी मैं सारी किचन को क्लीन करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैंने दूध को इसमें भगोने में डाल दिया है, क्योंकि सुबह मम्मी निकालने के बाद बाल्टी ऐसे ही रख देती है, तो फिर जितने यूज होता है हमारा, चाय पानी वगैरह बनाना, बच्चों को देना, तो वो सब कर देते हैं। उसके बाद फिर लाइट आ चुकी है तो अब मैं इसको इंडेक्स पर रख देती हूँ। अगर सुबह सुबह थोड़ा जल्दी लाइट आई रहती तो थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, वरना फिर लाइट चली जाती तो बाद में आती, तो फिर ऐसी बाल्टी में रख देते हैं इसको। तो चलिए मैं इसको अभी डेस्क पर रख देती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं, सारे मतलब जिसमें जो भी सामान रखा था सबको खला के, मतलब सबको खाली करके जो जो रखने थे सब रख लिए। और बर्तन हो गए काफी सारे, वैसे मैं ज्यादातर इतने बर्तन जोड़ती नहीं हूँ, थोड़े थोड़े करके कर लेती हूँ, पर कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि जब ज्यादा हो जाते हैं तो मुझसे मतलब अजीब सा भारी सी बात लगती है कि हाँ इतने सारे हो गए, तो मैं इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। तो चलिए अब हो गए तो इनको करना तो पड़ेगा, तो चलिए करती हूँ मैं इनको क्लीन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी किचन हो गई है पूरी तरह से क्लीन। बस एक बार किचन क्लीन हो जाए तो उसके बाद खाना बनाने में भी काफी मन लगता है साफ किचन में, वरना पूरी फैली रहती है तो हाथ भी नहीं चलता है। तो अभी मैं फिलहाल, अब साग रखा है, मैं साग में तड़का देती हूँ, उसके बाद करती हूँ फिर, मतलब ये समझ लीजिए कि अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और आवाज भी मेरी चेंज हो गई है, क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। पहले तो मेरा गला दुख रहा था, पर मुझे जुकाम हो गया है, तो उसमें हालत खराब रहती है, आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो चलिए करते हैं अब आगे का बाकी का बचा हुआ काम। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसमें घी, क्योंकि मैं साग को घी में छोंकना ही पसंद करूंगी, और घी फ्रिज में था तो थोड़ा टाइट हो रहा है। तो अब डाल दूंगी मैं इसमें हींग, और इसके बाद डाल दूंगी जीरा, और अब डाल दूंगी लहसुन जो कि मैंने काटा था।
और अभी सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। चुका है तो अब डाल दूंगी इसमें टमाटर, तो वैसे तो ये बिल्कुल बारीक करे हैं मैंने, काटे हैं, और जब तक ये सॉफ्ट नहीं होते अभी मैं इनको पकाऊंगी, जितने की बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते इनको ढककर ही पकाऊंगी मैं। तो चलिए देखते हैं अभी टमाटर कैसे हुए हैं मसाला। तो देखिए मसाला बिल्कुल भूनकर तैयार हो गया है, तो अब डाल दूंगी मैं इसमें साग, और कर लूंगी सब सबको अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारा काम किचन का खत्म कर दिया है, सबने खाना पीना कर लिया है, मतलब ये कि मैं ऑलमोस्ट सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना किचन में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया होगा कि अपनी मैंने ग्रोसरी शॉपिंग आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैं हुक लेके आई हूँ, जो कि जब से वो आए हैं तो मैंने वो यूज नहीं किए हैं। तो अब सोच रही हूँ कि मैं इनको जो मेरे यहाँ पर ये जहाँ पर मैं अपना ये ऑयलिंग जार रखती हूँ उनको मैं यहाँ पर लगाऊंगी, क्योंकि कुछ किचन के जैसे कि मेसर वगैरह है, एक दो सामान और है, उनको मैं यहाँ पर सेट कर दूंगी और दिखाती हूँ आपको। और कब से बोला हुआ है मैंने, कब से मेरा वो स्टैंड कैंपर का स्टैंड गया हुआ है, पर अभी तक वो बनकर नहीं आया है। तो चलो मैं इस काम को कर लेती हूँ। और ये हैंगिंग मैंने इनको निकाल लिया है, तो इस पर लिखा हुआ है कि ये 1 kg तक का वेट झेल सकता है, मतलब कि अगर हम 1 kg तक का इस पर वेट कुछ सामान रखेंगे तो 1 kg तक ये संभाल लेगा, वरना उसके बाद ये उखड़कर नीचे गिर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कब तक चलेगा। तो इसमें पीछे ऐसे टेप रहती है, डबल साइड टेप, तो देखिए मैंने इनको यहां पर लगा दिया है, और ये काफी, अगर मैं इसे छुटा भी नहीं तो छुटेंगे नहीं, टूट जाएंगे, काफी अच्छी इनकी पीछे जो चुपक है वो काफी अच्छी है। मैं तो इनको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूं, तो अभी मैंने इनको 4 लगा दिया है, 2 भी बचे हुए हैं तो उनको भी इधर लगाती हूँ। तो उनको तो मैंने वहां पर सेट कर दिया है, काफी अच्छे लग रहे हैं, तो अभी मैं इनको भी सेट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इनको यहाँ पर सेट कर दिया है और कुछ सामान भी सेट कर दिया है। तो पहले मुझे ये नहीं दिखाई दिया था, इसको मैंने पीछे सेट करके रखा था। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि बाय चांस में किचन में काम करने लग जाती हूँ, फिर मैं इसको लेना ध्यान नहीं रहता, फिर मेरे माइंड से निकल जाता है, फिर मन का सामने रहेगा तो यूज तो होगा कम से कम। तो फिर मैंने अलग से एक और ये हुक लिया है और फिर उसको यहाँ पर सेट करके इसको भी यहीं पर सेट कर दिया मैंने चॉपिंग बोर्ड को।
तो कुछ सामान को ऐसे सेट कर दिया है, और इधर मेरा ऑयलिंग जार रहता था उसको मैंने हटा दिया है इधर से। इधर मैंने ये चम्मच वगैरह सब सेट कर दी है। एक में जो मेरे लकड़ी के वो होते हैं पलटे वगैरह चमचे जो हैं वो सेट कर दिए हैं, और एक में स्पून वगैरह, और ये उल्टी तरफ है इसमें मैंने सारे चाकू, क्योंकि चाकू फिर हम ढूंढते रहते हैं, तो मैंने इसमें चाकू और छाली वगैरह जो चाय छाली होती है वो इनको सेट कर दिया है। सारे चाकू एक साथ मिल जाएंगे, वरना ऐसा होता है कि वो चाकू कहाँ है वो चाकू कहाँ है ऐसे ढूंढते रहते हैं, तो इनको भी कर दिया है। और जहां पर रहता था मेरी ये चम्मच वगैरह का स्टैंड रहता था, तो मैं वहां पर मैंने लगा दिया है ये ऑयलिंग जार और हॉटकेस, और अपना चॉपर उधर रख दिए हैं। वही होता है कि ये छोटे छोटे जो चेंज होते हैं ना, ये करते रहते हैं तो इनसे एकदम अच्छा लुक आता है, कि एकदम डिफरेंट सा लगता है कि हाँ ये अब जैसे मैंने ये यहाँ पे किया है, इनको कुछ दिन ऐसे ही रखूंगी उसके बाद फिर चेंज करूंगी तो ये फिर अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही छोटे मोटे चेंज अच्छे लगते रहते हैं। तो अभी देखूंगी जब मेरा पानी के कैंपर का स्टैंड ये हो जाएगा सेट, तो फिर यहाँ से पानी का कैंपर भी हट जाएगा तो और अच्छा लगेगा, वरना अभी तो यहीं पर रखकर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बना भी नहीं है, टाइम काफी हो गया है पर अभी बना नहीं है, अभी अधूरा काम है। तो बस ये था मेरा छोटा सा चेंज किचन में, तो इससे काफी अच्छी लग रही है देखिए, खाली खाली, और इधर हो गया वो सारे, और इधर हो गए, इधर हो गए ये। हाँ जी तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।